हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबिट्स। मैं इस वक्त वापस अपने गांव, अपने खेत, अपने फार्म, अपने फील्ड पर आया हूं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें तुअर की खेती हुई है। इस बार मैंने तुअर लगाया है। अभी ये छोटे झाड़ है। अभी ये, अभी आप देखेंगे इस तरीके से इसको, ये इनके रोज़ है इनकी। और इसमें भी फूल अभी लगना शुरू हुआ है, फूल और बर्ड्स अभी आना शुरू है ये। और पानी की ज़्यादती की वजह से थोड़ी सी फसल ख़राब हो गई है। यहाँ के उसके बीच में के जो झाड़ हैं वो पानी की ज़्यादती की वजह से सूख चुके हैं। ये देखिए जो आपको ये साफ़ जगह दिख रही है, यहाँ का पूरा ख़त्म हो गई। यहाँ की फसल, तुअर की खेती यहाँ पूरी ख़त्म हो गई है। लेकिन इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ पानी की कमी की वजह से ये थोड़ी अभी ज़िंदा है झाड़ी। और ये आप देख रहे हैं, ये कॉटन है। ये कॉटन पानी इस वक्त तो पानी बहुत ज़्यादा हुआ है इस तरफ मेरे एरिए में। तो पानी की ज़्यादा की वजह से फसल पूरी ख़राब हो जाती है, झाड़ सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ। ये मेरी फार्म की ये वेल है, इसे कुआं कहा जाता है। पूरा पानी से ये भर गया बारिश के वजह से। वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाता है और इसी की जो पजर है, जो ज़मीन के अंदर से पानी जाता है, इस वजह से भी इस तरफ का जो मैं आपको बताया अभी पूरा फसल वो ख़राब हुई है तुअर की। तो पानी की ज़्यादती की वजह से बहुत ख़राबा हुआ है इस साल। और बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त यहाँ पर पड़ा था। बहुत तुअर के झाड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ इस वक्त। थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है कभी कभी, क्योंकि आगे क्या है कुछ नज़र ही नहीं आता। कुछ भी, कोई जानवर वगैरह भी रह सकता। लास्ट ईयर टाइगर का काफ़ी यहाँ पर आतंक था। कई उसने हमारे गांव के जानवरों को, गायों को, भैंसों को मार कर खा लिया। ऐसे ही एक तुअर के खेत में यहाँ पर आप देखेंगे जानवरों को हमारा गांव का चरवाहा चरा रहा था, और उसी के बाजू में ही उसने गाय को मारकर लेकर चला गया। पता ही नहीं चला, वो डरकर भागकर वापस आया। देखिए कितना गफ है, सिर्फ झाड़ नज़र आ रहे हैं, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मुझे तो आदत है यहाँ से इस तरह के काम करने की। देखिए कितना गफ है ये नज़ारा, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ पूरी तुअर ही तुअर के दरख्त झाड़ हैं। देखिए, लेकिन आगे मुझे बढ़ना है, देखना है कि आगे की खेती तुअर की फसल किस तरह की है। ये देखिए, ये कॉटन की खेती है पूरी है। इस तरीके से कॉटन के ये छोटे छोटे झाड़ रहते हैं और उसमें तुअर भी मिक्स है उसमें। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एक एक इसको तोड़ा जाता है कॉटन को, और घर में इसको फिर डंप करते हैं एक स्पेस बनाकर घर में किसी एरिया में, और इसको फिर मार्केट ले आकर इसको फिर सेल करते हैं इसको। देखिए पूरी ये अतराफ आप देखेंगे, ये पूरी कॉटन की खेती है। ये इस तरफ मेरे पीछे देखेंगे आप, बहुत बड़ा नाला है और बहुत गफ है। अक्सर यहाँ पर शेर को देखा गया है गर्मियों के दिनों में, जब उसको पानी या खाने की कमी होती है। तो बिल्कुल मेरे तरफ, इस तरफ लेफ्ट साइड बहुत बड़ा नाला है पानी का, वहाँ पर अक्सर शेर को देखा गया है। और बिल्कुल मैं देखिए कितने करीब, यहाँ से मैं 100 फुट की दूरी पे खड़ा हूँ बस। ये देखिए, ये सिर्फ ग्रास है, ग्रास, सिर्फ घास उगी हुई यहाँ पर। ये भी काफ़ी ख़तरनाक है अंदर जाना मेरा। नीचे पूरी ज़मीन पच-पच हुई हुई है, नीचे सांप होने का भी ख़तरा हो सकता है। और गर्मियों में ये यहाँ पर भी शेर का काफ़ी आना जाना था यहाँ पर भी। और ये देखिए पूरा ये जंगल है इस तरफ पीछे में, और ये पूरा घास, साफ घास पर यहाँ पर मौजूद। ये देखिए, मैं जिस नाले का जिक्र कर रहा था आपसे, ये वो नाला है, पानी जमा हुआ है। आप दूर देखते रहे होंगे, वहाँ पर कुछ भैंसें पानी में ठंडक का मज़ा ले रही हैं। शायद आपको नज़र आए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर
कुछ भैंसें हैं पानी का जो मज़ा ले रही है। ये देखिए नाला है, बहुत गफ नाला है ये, और यहीं गर्मियों में अक्सर शेर को देखा गया है। मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ यहीं पर शेर को देखा गया था। ये देखिए कुछ भैंसें यहाँ पर पानी का मज़ा ले रही हैं। गर्मियों में भी ये बहुत ज़्यादा पानी के अंदर ही रहती हैं। वो कहावत है ना, गई भैंस पानी में, तो इसलिए बोला जाता है ऐसा कि एक बार अगर भैंस पानी में जाकर बैठ जाए तो जब तक उसको वहाँ से निकाला ना जाए वो वहाँ से नहीं निकलती। इससे बहुत मज़ा आता है, फ़र्क भी पड़ता है भैंस को पानी में बैठने से, उसकी सेहत अच्छी रहती है, दूध भी वो ज़्यादा देती है। इसलिए देखिए ये भैंसें यहाँ पर कुछ बैठी हैं, पानी का मज़ा ले रही हैं भैंसें। दोस्तों घर जाने का वक्त आ गया है। बहुत मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। अगर मेरा चैनल मेरे वीडियोस आपको पसंद का आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, अपने आसपास भी अपने दोस्तों को भी खुश रखिए, अपने पेरेंट्स को खुश रखिए। ओके, टेक केयर।